Welcome to my channel Alka Classes. Today I will explain you chapter advertisement. Firstly, I will tell you what do you mean by advertisement. Students, advertisement means advertisement is a publicly announced message. एडवर्टीजमेंट क्या होता है, ये पब्लिकली एक मैसेज होता है, ये पूरी पब्लिक के लिए एक मैसेज होता है. फॉर ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज फॉर द कॉमन मासेस. कॉमन मासेस मीन्स कॉमन पब्लिक. आपने पेपर में देखा होगा एडवर्टीजमेंट, जैसे कि इस टाइप से इसमें एक एक क्रीम है, ब्यूटी क्रीम, उसके बारे में बताया हुआ है कि इस क्रीम के क्या बेनिफिट है क्या नहीं है. तो ऐसे आपने बहुत से एडवर्टीजमेंट देखे होंगे. आपने देखा होगा किसी इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट कि हमारे यहाँ पे से टीचर की रिक्वायरमेंट है, गार्डनर की है, प्योन की है, ड्राइवर की है. तो ये सब किस में आते हैं, एडवर्टीजमेंट में आते हैं. नाउ there are two types of advertisement. First, classified advertisement and second is display advertisement. Firstly, I will explain classified advertisement. Less space. Students, इस टाइप की एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर में, आप रीड भी करते हो. तो इस टाइप के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट होते हैं. तो पहले इनके बारे में बता रही हूं. इनमें क्या है कि लेस स्पेस, इनमें देखो स्पेस कितना है, कम है. सेकंड, इकोनॉमिकल, इनमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है. नेक्स्ट इज सिंपल. अब ये देखो ये बिल्कुल सिंपल है, कोई विजुअल नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये सिंपल है. नेक्स्ट इज शुड कन्वे द कंप्लीट मैसेज. अब यहां पर बहुत ही कम स्पेस में है, उसके बाद भी जो कंप्लीट मैसेज है कि क्या कहना चाहते हैं वो कन्वे हो जाता है. एंड नेक्स्ट इज डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट. डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, इस टाइप के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जिनमें विजुअल गिवन होता है, इनमें मोर स्पेस. अब देखो स्पेस इसमें कितना है, उससे काफी ज्यादा है, इससे बड़ा भी हो सकता है. लेकिन जो क्लासिफाइड होते हैं उनमें स्पेस बहुत ही कम होता है, लेकिन जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होते हैं उनमें स्पेस ज्यादा होता है. यूज आई कैचिंग स्लोगन. आई कैचिंग स्लोगन मीन्स जो अट्रैक्टिव स्लोगन होते हैं वो इस टाइप के एडवर्टीजमेंट में यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट एक्सपेंसिव, इनको पब्लिश करवाने के लिए, इनको पेपर में देने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो ये एक्सपेंसिव काइंड ऑफ होते हैं. नेक्स्ट कलरफुल, ये आपने देखा होगा कलरफुल है, इनमें कलर्स का यूज हो सकता है. एंड नेक्स्ट यूज डिफरेंट फॉन्ट. यूज डिफरेंट फॉन्ट, इसका मतलब है कि जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होते हैं उनमें कहीं पे लेटर छोटे लिखे होते हैं, कहीं पे बड़े लिखे होते हैं, तो हम डिफरेंट फॉन्ट का यूज इसमें कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लेंथी, ये साइज में कैसे होते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट से ये लेंथी होते हैं. तो आई थिंक आपको टू टाइप्स क्लियर है, फर्स्ट वन इज क्लासिफाइड एंड सेकंड वन इज डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट. नाउ फर्स्ट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट स्टूडेंट्स, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आर कॉल्ड क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बिकॉज दे आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. कि उनके फंक्शन के बेस पे हम इनको आगे डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. अब जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो क्लासिफाइड कौन से हैं? फर्स्ट है सिचुएशन वैकेंट. सिचुएशन वैकेंट क्या होता है कि मान लो कोई स्कूल है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, और वहां पे रिक्वायरमेंट होती है किसी एम्प्लॉय की, किसी मैनेजर की, मीन्स किसी की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है. कि मान लो स्कूल है, उसमें रिक्वायरमेंट है इंग्लिश टीचर की, मैथ्स की, गार्डनर की, कंडक्टर, ड्राइवर, किसी की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली पेपर में पब्लिश करता है. तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं सिचुएशन वैकेंट, मीन्स किसी फर्म के पास कोई वैकेंसी है वो वैकेंट है, ये होता है सिचुएशन वैकेंट में. एंड नेक्स्ट वन इज सिचुएशन वॉन्टेड. इसमें क्या होगा कि सपोज तुमने अपनी क्वालिफिकेशन है वो
कंप्लीट कर ली है एंड नाउ यू आर सर्चिंग फॉर ए जॉब, इसमें तुम्हें जॉब चाहिए, तो तुम क्या करोगे, पेपर में ऐड देते हो कि मैंने अपनी क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट कर ली है, मुझे जॉब चाहिए। तो इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट को हम क्या बोलेंगे, सिचुएशन वांटेड। नेक्स्ट इज फॉर सेल और परचेज। फॉर सेल और परचेज, फॉर सेल और परचेज में क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास कोई पुरानी गाड़ी है, पुरानी बाइक है, या घर का कोई सामान है, कुछ भी तुम अगर सेल करना चाहते हो या परचेज करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है पेपर में वो होगा फॉर सेल और फॉर परचेज एडवर्टाइजमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज मैट्रीमोनियल। मैट्रीमोनियल में क्या होता है कि तुम्हें दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए, कैसी चाहिए, दुल्हन चाहिए तो दूल्हा चाहिए तो कैसा हो, क्या काम करता हो, दुल्हन दिखने में कैसी हो, तो ये सब किसमें आता है, मैट्रीमोनियल में। एंड नेक्स्ट वन इज टू लेट। आपने कई बार देखा होगा कि कई शॉप है या कई घर है उनके बाहर लिखा होता है एक टू लेट का बोर्ड लगा होता है, इसका मतलब है कि वो जगह किराए के लिए खाली है, हमें कुछ किराए पे लेना है, कोई घर है या कोई फ्लैट है, प्लॉट है, कुछ भी है, किराए पे लेना है या फिर किराए पे देना है, तो उस केस में हम यूज किसका करेंगे, टू लेट एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट इज मिसिंग। मिसिंग में क्या होता है कि कोई पर्सन मिस हो जाता है, तुम्हारा कोई पेट मिस हो जाता है, कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई लड़की है वो मिस हो जाती है, तो उस केस में दिखने हमें कि लड़की है उसका क्या नाम है, दिखने में कैसी है, क्या पहन रखा है, कैसे बोलती है, कोई उसका स्पेशल कोई मार्क है वो, ये सब किसमें आते हैं, मिसिंग में, मिस कोई मिस हो जाता है तो उस केस में हम राइट करते हैं मिसिंग एडवर्टाइजमेंट। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सिचुएशन वैकेंट। तुम्हें पेपर में देना है और उसके लिए तुम्हें राइट करना है सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट, तो तुम्हारे माइंड में कौन कौन से पॉइंट स्टार्ट होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज बिगिन विद वांटेड। सिचुएशन वैकेंट मीन्स कोई फर्म है वहां पे कोई वैकेंसी है, वो वैकेंट है, तो क्या होगा, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, वांटेड और रिक्वायर्ड वर्ड से स्टार्टिंग करनी है। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स वो वैकेंसी है तो कहाँ पे है, किसी स्कूल में है, किसी कंपनी में है, किसी इंस्टीट्यूट में है, वैकेंसी कहाँ पे है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वैकेंसी कहाँ पे है, ये मस्ट है मेंशन करना। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द पोस्ट कि जो वैकेंसी है वो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर, ये कितनी वैकेंसी है वो, और पोस्ट कि किस पोस्ट की वैकेंसी है, किसी मैनेजर की वैकेंसी है, रिसेप्शनिस्ट की है, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ्स, इकोनॉमिक्स, मिस जो भी पोस्ट है वो पोस्ट मेंशन करनी मस्ट है। नेक्स्ट इज एज एंड जेंडर ऑफ रिक्वायर्ड कैंडिडेट कि जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसका जेंडर क्या है, यू वांट ए मेल कैंडिडेट और यू वांट ए फीमेल कैंडिडेट। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कि जो रिक्वायर्ड कैंडिडेट है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पोस्ट के अकॉर्डिंग, और उसका एक्सपीरियंस है वो कितना होना चाहिए, you want experienced candidate or you want a fresher candidate, this should be also mentioned in the advertisement. Next is pay scale कि जो candidate है उसकी pay scale क्या होगा, तुम कितना देना चाहते हो, तो ये सब mention करना है। And next contact address and phone number, जब तुम write करोगे complete situation vacant तो उसके last में तुम्हें write करना है कि कॉन्टैक्ट नंबर कि जो इसको देखेंगे एडवर्टाइजमेंट को वो किस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे और कॉन्टैक्ट एड्रेस तुम्हारा क्या होगा, ये सब मेंशन करना होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि जो विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये धारवाड़ा में है और इस स्कूल में मान लो रिसेप्शनिस्ट की जो पोस्ट है वो वैकेंट है, तो इस स्कूल ने क्या किया, पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया किसका कि हमारे यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट है उसकी पोस्ट वैकेंट है, तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, ये ओनली जस्ट एग्जांपल है। तो देखना सबसे पहले सिचुएशन वैकेंट जो हेडिंग है वो हमेशा अपर केस में होगा और कंप्लीट ही अपर केस में होगा, सिचुएशन वांटेड है उस केस में भी, टू लेट है, मिस है,
मैट्रिमोनियल, जो भी हेडिंग है वो हमेशा अपर केस में होगा। तो यहाँ पे हेडिंग, हेडिंग क्या होगा? सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल है हमारा विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल धारवेड़ा, उसमें वैकेंसी है। तो अगर इंस्टीट्यूट में वैकेंसी होती है तो वो कौन सा होता है? सिचुएशन वैकेंट। तो हमने पहले हेडिंग मेंशन किया, सिचुएशन वैकेंट। क्लियर है? ये सभी के लिए है कि चाहे टॉपिक कुछ भी है, मीन्स फॉर सेल है, टू लेट, मिसिंग या जो भी है, वो फर्स्ट ये कंप्लीट है, ये अपर केस में होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सभी में काम आएगा, ये कॉमन पॉइंट है कि अपर केस में होगा हेडिंग। नेक्स्ट है वॉन्टेड। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग है वो किससे करनी है? वॉन्टेड वर्ड से करनी है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग किससे की? वॉन्टेड। यू ऑल्सो मैंशन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वॉन्टेड लिखा है, वॉन्टेड ए क्वालिफाइड। तुम्हें क्या चाहिए? वॉन्टेड ए वेल क्वालिफाइड, मीन्स बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन वाली क्या चाहिए? रिसेप्शनिस्ट। अभी यहाँ पे है पोस्ट। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पोस्ट है वो मेंशन करनी है कि किस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो पहले क्या था? वॉन्टेड वर्ड का यूज किया, उसके बाद एफ मीन्स नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है? वन, वेल क्वालिफाइड रिसेप्शनिस्ट। यहाँ पे पोस्ट, पोस्ट कौन सी है? रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है। फोर, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल धारवेड़ा। अब ये क्या है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी है। तो ये कहाँ पे वैकेंसी है? विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल धारवेड़ा में वैकेंसी है ये, जो कि बहुत ही अच्छा स्कूल है। नेक्स्ट है मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस। पॉइंट मैंने क्या बताया था कि एक्सपीरियंस मेंशन करना है कि तुम्हें कितने एक्सपीरियंस वाला टीचर चाहिए, कैंडिडेट चाहिए। तो इसमें क्या है कि मिनिमम 5 इयर्स। अब ये कंपल्सन नहीं है कि आपको 5 इयर्स ही मेंशन करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन मेंशन 2 इयर्स, 3 इयर्स, 10 इयर्स, मीन्स जो भी आपको चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हो। और आपको अगर एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए, इन दैट केस यू कैन मेंशन फ्रेशर कैंडिडेट। फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी इज मस्ट। अब यहाँ पे फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी इज मस्ट कि जो रिसेप्शनिस्ट है उसके लिए क्या होना चाहिए? इंग्लिश भी आनी चाहिए और हिंदी, दोनों ही उसके लिए कंपल्सरी होती है, क्योंकि हर तरह के लोगों से मिलने आते हैं। तो उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। अभी ये नहीं है कि टीचर मैथ्स का है उसके लिए क्या लिखेंगे कि इंग्लिश फ्लुएंसी इज मस्ट, ऐसा नहीं है। पोस्ट के अकॉर्डिंग, मान लो पीजीटी इंग्लिश है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली कंपल्सरी है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? पोस्ट के अकॉर्डिंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी इज मस्ट। साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट। साउंड नॉलेज मीन्स अच्छी नॉलेज कि जो रिसेप्शनिस्ट है उसको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और ऑब्वियसली ये जनरल सा पॉइंट है कि उसके लिए होनी चाहिए। अब यहाँ पे टीचर इंग्लिश का है, मैथ्स का है, या किसी और सब्जेक्ट केमिस्ट्री फिजिक्स का है, और उसके लिए आप ये कहो कि कंप्यूटर नॉलेज मस्ट है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें मेंशन करना है कि क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारी पोस्ट कौन सी थी? रिसेप्शनिस्ट है, तो उसके लिए कंप्यूटर नॉलेज है वो मस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रीफरेंस टू फीमेल कैंडिडेट। अब ये भी बताना है कि जो कैंडिडेट आपको चाहिए वो मेल चाहिए या फिर वो फीमेल चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? रिसेप्शनिस्ट फीमेल। अगर आपको मेल चाहिए, इन दैट केस यू कैन मेंशन मेल कैंडिडेट। सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट। सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, इसका मतलब है कि अगर कैंडिडेट टैलेंटेड है या डिजर्व करता है तो उसके लिए सैलरी कितनी भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू टैलेंट। इसकी जगह पे आप एक वर्ड यूज और भी कर सकते हो, सैलरी नेगोशिएबल। सैलरी नेगोशिएबल इसका मतलब क्या होता है कि सामने वाले के टैलेंट को देख के, सामने वाले को देखकर सैलरी डिसाइड करना कि सामने वाले में टैलेंट कितना है, तो उसको हम बोलते हैं सैलरी नेगोशिएबल। और यू कैन से सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट। पर्क्स एंड इंसेंटिव्स विल बी आल्सो प्रोवाइडेड। अब पर्क्स एंड इंसेंटिव्स,
पर्क्स और इंसेंटिव्स क्या होते हैं कि सैलरी के अलावा जो और फैसिलिटी दी जाती है उनको हम बोलते हैं पर्क्स एंड इंसेंटिव्स। अप्लाई विद इन 7 डेज विद ए कंप्लीट बायोडाटा। अब जो कैंडिडेट है उसके लिए दिया हुआ है, अब क्या करना है कि इन सब को पढ़ने के बाद अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कितने दिन में, विद इन 7 डेज मीन्स जब भी पेपर में आ चुका है उसके बाद 7 डेज में आपको अप्लाई करना है विद कंप्लीट बायोडाटा। किसके साथ है? अपने बायोडाटा के साथ आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट। अब आप अप्लाई करना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट किससे करोगे, तो कॉन्टेक्ट किससे करना है, मिस्टर राजपाल यादव। यहाँ पे कोई नेम मेंशन करना है। अब मैंने यहाँ पे नेम मेंशन क्या कर दिया, मिस्टर राजपाल यादव कर दिया। अब ये पर्सन है कौन, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, कौन सा स्कूल, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो वहां पे है धारवेड़ा में है। मिस्टर राजपाल यादव ही इज प्रिंसिपल। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर 7988090 मिस को भी कॉन्टेक्ट नंबर आप मेंशन कर सकते हो। और लास्ट में बॉक्स ड्रॉ करना है, बॉक्स ड्रॉ है वो मस्ट है। और जो एडवर्टीजमेंट है उसकी जो वर्ड लिमिटेशन है वो कितनी होती है, वो होती है 50। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन सिचुएशन वांटेड। स्टूडेंट्स अगर हम सिचुएशन वांटेड का एडवर्टीजमेंट राइट करते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट माइंड में होने चाहिए, तो फर्स्ट इज ऑलवेज बिगिन विथ वांटेड और रिक्वायर्ड। स्टार्टिंग है या तो वांटेड वर्ड से होनी चाहिए या फिर वो रिक्वायर्ड वर्ड से होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लेस वेयर नीड द जॉब, कि वो प्लेस जहां पे तुम्हें जॉब की रिक्वायरमेंट है, तुम्हें जॉब कहाँ करनी है, रेवाड़ी में करनी है, दिल्ली में, गुरुग्राम में, कहाँ पे जॉब करनी है, उस प्लेस को मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कि तुम्हें जॉब की रिक्वायरमेंट है तो तुमने तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है और तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है और कहाँ से है। नेक्स्ट इज पे स्केल, कि तुम जॉब चाहते हो तुम कितनी सैलरी एक्सेप्ट करोगे, मिनिमम सैलरी एक्सेप्टेबल कितनी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज कॉन्टेक्ट एड्रेस और फोन नंबर, इसका एग्जाम्पल है एक सबसे पहले हेडिंग, कि तुमने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, तुम्हें जॉब की जरूरत है तो तुम क्या करोगे, वो होगा हमारा सिचुएशन वांटेड, क्योंकि जॉब हमें चाहिए तो वो हो जाएगा सिचुएशन वांटेड। तो फर्स्टली हमें क्या किया, हेडिंग है वो अपर केस में मेंशन किया सिचुएशन वांटेड। नाउ ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, अब इसमें क्या करना है कि जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाइड भी है एक्सपीरियंस भी है। ब्लैंक इज सर्चिंग फॉर ए जॉब, अभी यहाँ पे क्या मेंशन करना है कि जॉब किसे चाहिए, एक टीचर को चाहिए, एक डॉक्टर को चाहिए, एक इंजीनियर को चाहिए, किसको जॉब चाहिए वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। सपोज टीचर को चाहिए तो हम यहाँ पे एग्जांपल टीचर का लेते हैं, ठीक है। तो एक टीचर है वेल क्वालिफाइड भी है एक्सपीरियंस भी है और वो जॉब सर्च कर रहा है कहाँ पे, इन और अराउंड दिल्ली, या तो दिल्ली में या दिल्ली के आसपास उसे जॉब चाहिए। नेक्स्ट बीए ओनर्स, अब उसने क्या बताई, अपनी क्वालिफिकेशन बताई कि बीए ओनर्स पॉलिटिकल साइंस टॉपर, ठीक है। नाउ एज, अपनी एज मेंशन कर सकते हो, जो पहले हमारा था सिचुएशन वैकेंट उसमें भी हम जो एज मेंशन कर सकते हैं कि एज है वो कैंडिडेट की कितनी होनी चाहिए, तो वैसे इसमें भी अपनी एज मेंशन कर दी है कि तुम्हारी जो एज है वो कितनी है, एज 26 ईयर्स। अब अपने बारे में और बताना है कि वो क्या क्या आता है, फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को बोलने में बिल्कुल फ्लुएंट हो, अच्छे से बोल सकते हो। एक्सपीरियंस्ड, अब अगर एक्सपीरियंस है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमें सभी को एक्सपीरियंस होगा, कोई फ्रेशर भी होंगे, तो उस केस में एक्सपीरियंस्ड मेंशन नहीं करना, उस केस में मेंशन करना है हैविंग नो वर्किंग एक्सपीरियंस, उस केस में ये मेंशन करना है। और एक्सपीरियंस है तो उस टाइम पे कि एक्सपीरियंस है वो कहाँ का है, एक्सपीरियंस्ड इन वर्किंग इन ए प्राइवेट स्कूल,
फॉर मोर देन 5 ईयर्स कि प्राइवेट स्कूल का अगर चाहो तो तुम ब्रैकेट में या फिर वैसे स्कूल नेम भी मेंशन कर सकते हो और मेंशन कर सकते हो कि किस पोस्ट का एक्सपीरियंस है, पीजीटी है, टीजीटी है, किसका है, ये मेंशन कर सकते हो। अब मोर देन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कहाँ का, एक प्राइवेट स्कूल का। एक्सपेक्टेड सैलरी ₹50,000। अब जो कैंडिडेट है उसको वो कम से कम कितनी सैलरी में एक्सपेक्ट करेगा, वो कितनी एक्सेप्ट कर सकता है, वो कितने की उम्मीद कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड वो कितने की उम्मीद कर रहा है, वो इतने की उम्मीद कर रहा है। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड में कॉन्टेक्ट राजू कि जो भी इंटरेस्टेड है जिनको ऐसा पर्सन चाहिए तो वो क्या कर सकता है, राजू से कॉन्टेक्ट कर सकता है। राजू कौन है जो इसको राइट कर रहा है, जिसके बारे में बताया है वो कौन है, वो राजू है। अब आगे राजू के कॉन्टेक्ट नंबर भी कॉन्टेक्ट करेगा तो कहाँ पे करेगा, ओबीसी से कॉन्टेक्ट नंबर पे करेगा, तो उसके बाद राजू के कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो आई थिंक आज की वीडियो जिसमें मैंने ये सिचुएशन वैकेंट और वॉन्टेड एक्सप्लेन किए हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.